सो मोस्ट वेलकम है गाइज, आपका लेक्चर नंबर 8 में यहाँ पे आपको टोटली बताया जाएगा 25 क्वेश्चंस, लेकिन बने रहेंगे विदाउट स्किप किए हुए, अगर सेशंस को गाइज देखते रहेंगे। आपको जो प्रीवियस सेशंस में होमवर्क मिला था वो भी ऑलरेडी साथ में साथ प्रोवाइड कराता चले जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको ज़रूरत हो गाइज, @UnionClasses करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट उसकी दी जा चुकी है और टेलीग्राम की भी लिंक दी गई है, आप सब पढ़ सकते हैं। सो गाइज, अगर बात करें जो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी इस फैमिली से जुड़ रहे हैं, सो गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस का लिंक दिया गया है, आप जाके क्लिक करिए और पूरा टोटल देख लीजिए सिलेबस। और जो न समझ में आए, आप एज योर विश, आप चाहे लाइफ टाइम जब चलता है उसमें अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए, या फिर जब आप मेन कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, 100% आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। सो मोस्ट वेलकम है गाइस आपके होमवर्क के साथ साथ ही साथ यहाँ पे बताया जाएगा, जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनको भी धीरे धीरे बीच बीच में अपडेट यार देना पड़ता है, जिससे कि उनको भी कंडीशंस कन्फर्म हो जाए। और हम चाहते हैं कि आप लोग सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहेंगे, कि जिससे कि नाउ ये अपनी फैमिली एक दिन जल्द ही मिलियनों में पहुंच जाए। जिससे कि ये होता है कि 3 PM पे ऑलरेडी आपको हिंदी की क्लासेस एंड 5 PM पे GKGS, साथ में आपके 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो बीएड प्रिपरेशन, इंट्रेंस प्रिपरेशन 2022 के लिए आपके लिए स्पेशली है। सो बहुत ही बढ़िया आपके लिए यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा गाइस हम चाहते हैं कि आकर के जुड़े ना, अपनी इस फैमिली में मेम्बरशिप बने, वो भी विदाउट एनी फी के। अब ना आपका गाइज स्टार्ट करते हैं होमवर्क, जो कि आपका 24 एंड 25 दिया जा चुका है, उसमें से ना आप देखेंगे। सो ये गाइज आपका रहता है 24 क्वेश्चन क्या है, आप अगर देखें कि माता पिता शब्द युग्म है, यहाँ पे माता पिता सदयुग सार्थक निरर्थक पुनरुक्त सार्थक निरर्थक, आगे तो सदयुग आपका सरकारी ही है, सब में सदयुग में जुड़ा हुआ है, क्योंकि सदयुग में से ही गाइस आंसर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन पुट अप किया है, सो आंसर में भी वो एडिंग प्रोसेस हो गया है। सो गाइस इतने कितने गाइस सही आंसर किए थे इसका, सही आंसर जी बिल्कुल करते चलेंगे, क्योंकि आपका ही यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, आपका भी नाम लिस्ट में दर्जित होगा बहुत ही जल्द। सो 4-5 स्टूडेंट्स हैं कि जो कि सिर्फ आंसर देते हैं होमवर्क का, बाकी सब निल हैं, कुछ नहीं करते हो आप लोग, पढ़ाई नहीं करते हो, सेशंस देखते हो विदाउट स्किप की हुई, अगर देखो तो समझ में भी आया, स्किप करते चलते हैं कुछ समझ में आता नहीं है। सो माता पिता सार्थक शब्द युग्म होगा, योग फर्स्ट जो ऑप्शन जितने भी गाइस किए हैं वो सभी सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात किया जाता है गाइस सेकंड ऑप्शंस, यानी कि आपके 25 क्वेश्चंस जो दिया गया था 25 पर, रामचरितमानस की भाषा क्या है, रामचरितमानस जो था यानी कि उनकी भाषा क्या, किस भाषा में अपना रामचरितमानस पूरा टोटल लिखा गया था। और अगर एक क्वेश्चन यहीं से बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस फंसता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे, अब बताइए तो कितने गाइस यहाँ पर सही आंसर कर रहे हैं जी, बिल्कुल करिए करिए, इतने गाइस जुड़े हुए हैं सेशन से, तो आप लोग शेयर भी मतलब कि सेशंस को करते चलेंगे और साथ ही साथ आप बताते भी चलेंगे इसका टोटली पूरा। राम यहाँ पे अगर बात हो गाइस रामचरितमानस के रचयिता या फिर शीर्षक टोटली लिख देते हैं, तो आपका पोएट्री एंड प्रोज दोनों में चलता है, रचयिता लिखेंगे सिर्फ प्रोज यानी गद्य के लिए होगा, ये कन्फर्म रखिए। रामचरितमानस के तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता थे, कंफर्म हुआ मैटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चला जाए। चलिए तो यहाँ पे कि अवधि में है खड़ी बोली ब्रज और भोजपुरी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ किए थे, अवधि ही तो यूज़ किए थे ना, फर्स्ट आप ऐड कर लीजिए। सो गाइस कंप्लीट हुआ, आगे चला जाए, साथ में एक थम्सअप भी करते चलेंगे। अब ये होता है कि मोस्ट वेलकम के साथ आपका लेक्चर 8 स्टार्ट हो चुका है, प्रीवियस आप टोटली 7th लेक्चर पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ आज 7-10 या फिर 10 दिनों के बीच में 7 ही लेक्चर से, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो सीखे हैं, तो आप ऐसे कंटिन्यू सीखते चलेंगे और 100% है कि आपके एग्जाम के पहले ही आपके टोटल सिलेबस क्रैक करा दिए जाएंगे, क्लियर करा दिए जाएंगे, जिससे कि एग्जामिनेशन
सेशंस में बैठ करके आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्लियर? चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइज क्या होता है यहाँ पे, अगर देखें कि छत से ईंट गिरी नीचे, वाक्य में कौन सा कारक है? अब बताइए कौन सा कारक होगा। पढ़ाया गया था उस लिस्ट में, जाइए तुरंत आप सेशंस देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस दिया गया है। बताया गया है कि अपादान, अधिकरण, संबंध, संप्रदान। एक बार हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना पाया जाए, संबंध का की के, अधिकरण में, पेपर, संबोधन, ये बोरे। अब तो गाइस कोई दिक्कत नहीं होगी ना, अब तो बिल्कुल दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए गाइस। दिक्कत होगी तो इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, कुछ नहीं पढ़ते हो। यहाँ पे होगा आपादान। क्यों आपादान से अलग होना पाया जाए? पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं तो क्या वो पत्ते जा करके फिर से पेड़ में चिपक जाते हैं? जी नहीं, इट्स नॉट कंडीशन, ओके, इट्स नॉट अवेलेबल। ऐसा भी आप कह सकते हैं, एज योर विश, ये तो अपने मर्जी पर है, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही छत से जब ईंट गिर जाता है तो नीचे जस्ट आएगा, ऐसा तो नहीं नीचे आ गया भैया, नीचे गिर गया फिर से जाकर के उसी पे लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उससे जस्ट अलग हो रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से, आप स्कूल से घर जा रहे हो, घर से स्कूल जा रहे हो, विद्यालय जा रहे हो, तो ये आप फिर से रिटर्न होकर के आओगे, है ना, वहाँ पे आपका करण होगा यूज। लेकिन यहाँ पे अलग होना पाया जाए, सो कंडीशंस क्लियर ऑफ आपादान। क्लियर हुआ? आगे चला जाए। सेकंड क्वेश्चन गाइज क्या होता है, आप सेकंड चलिए देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे दिया गया है कि मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया मतलब उस बेचारे के पास हिम्मत नहीं थी। सो ऐसी कंडीशंस होगी कि उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, यानी कि वाच्य क्या होता है? वाणी। वाच्य मतलब होगा कि वाणी, अर्थात वो किस तरह की वाणी बोला, कर्तृवाच्य, भाववाच, कर्मवाच या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए कितने गाइज इसका सही आंसर करते हैं, सही आंसर करते हैं, जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि मुझसे उठा नहीं गया तो उठना भी एक क्रिया है, कर्तवाच्य है। मैटर क्लियर हुआ? उठना, बैठना, खाना, नहाना, धोना, पीना, हंसना, रोना, सबसे अच्छी बात है हंसना, क्यों? तो ये सारी वर्ब हैं, क्रियाएँ हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा सॉरी, ये थर्ड भी वाइज क्वेश्चन सेम पोजिशंस में आ गया, तो कर्तवाच्य ही यहाँ पे होगा आपका। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या आता है, यानी कि चौथा क्वेश्चन क्या होगा, चौथा आप देख लेंगे एक सेकंड, कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अगर गाइज अभी उच्चारण स्थान आपको न समझ में आता हो तो आप अभी बता देंगे, आपको मैटर क्लियर करा दिया जाएगा, एक पूरा वीडियो में हम उच्चारण स्थान ही बता देंगे, टोटली आपके उच्चारण स्थान ही बता दिए जाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग चैट सेक्शंस में चैट कर दीजिए। जी बिल्कुल, चलिए तो उच्चारण स्थान आपको बता देंगे। उच्चारण स्थान है कि स, दंत, तालु, मूर्धा या फिर दंतालु। तो कौन सा है? दंती सकार है, तालब्य से है, मूर्धा से। मूर्धा क्या होता है? मूर्धा इस तरह से स होता है, दंतालु स ये इस तरह से होता है जिसे दंत कहते हैं, तालु स इस तरह से। क्या सही है? कितने गाइस इसे एक्सेप्ट है? फोर्थ के क्वेश्चंस के कितने गाइस एक्सेप्ट है? सो जितने भी हमारे सभी साथी ऑप्शन सी कह रहे हैं, यानी कि स तालु से संबंधित होगा, स जो है तालु से ही संबंधित होगा। आगे चला जाए, ये बात हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चंस के। अब फाइव क्वेश्चंस में होता है कि ध्वनियों, बताया गया है ध्वनियों से क्या बनाते हैं, जो आपकी आवाज़ निकलती है और गूंजती है, वो निकलती है बाहर, उससे क्या बनाते हैं? मात्राएं, वाक्य, शब्द या फिर वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला अल्फाबेट हुआ, वाक्य सेंटेंस हुआ, तो क्या बनाते हैं आप ये देखेंगे, क्या बनाते हैं? फाइव क्वेश्चंस का आंसर करते रहेंगे, फटाफट से करते रहेंगे, लाइव सेशन से विदाउट स्किप किए हुए सेशंस को देखना। अगर स्किप कर गए यार तो आपका लाइफ भी साथ में स्किप होगी, क्योंकि जब कुछ पढ़ोगे ही नहीं तो ये स्किप तो होगी, ये क्रैक नहीं एग्जाम करोगे फिर आगे जाओगे तो एक साल तो बर्बाद होगा ही होगा ना। तो ऐसा करिए कि साल बर्बाद मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए अपना टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। सो उसे पढ़ने और पढ़ाने में ही साथ ही साथ टीचिंग लाइफ, अपना अपना सबका गोल होना चाहिए गाइज, वो बनाते चलिए। और एक बात यहाँ पे गाइज कहें कि अपना अपना जितने भी गाइज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या क्या गोल हैं हम भी जानना चाहते हैं, कि चलिए देखते हैं कि लाइव चैट में कितने गाइज हैं कि अपना अपना गोल बताते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपको कुछ बनना है छोटी चीज़, आप इंजीनियर बनना चाहते हो लेकिन यहाँ बता दो मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं
PCS बनना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करना है गाइस, आपका जो गोल है वो बना के चलिए और उसी पे चलिए, तभी आप रिजल्ट आपका सो अच्छा होगा। पढ़ना इतिहास भूगोल आ ही नहीं रहा है, जबरदस्ती पढ़ रहे हो तो क्या कभी क्रैक कर पाओगे? हाँ, मेहनत करने पे क्या चीज़ नहीं हासिल होती, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं होता है जिस चीज़ में लगन नहीं होती है। तो एरिया कुछ इस तरह से बनाइए कि जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, हाँ पढ़ाई के मामले में, खेलने कूदे में, अब क्रिकेट खेलेंगे कि इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, सिर्फ लाइफ आपका वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा गाइस। चलिए तो 5 क्वेश्चन का आंसर कितने गाइस सही यहाँ पे करते हैं? जी बिल्कुल करते रहिए, सेशंस को थम्स अप भी साथ में साथ करते रहेंगे, क्योंकि आपको अगर सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक थम्स अप तो ज़रूरी होता है। यहाँ पे जितने भी गाइस ऑप्शन बी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि ध्वनियों से क्या बनाते हैं शब्द। अब ये कोई आवाज़ ध्वनि, ध्वनि से शब्द, यानी कि जो ध्वनि क्या होती है, एक अक्षर, जैसे अब अ ई उ ऐसा पढ़ रहे हो तो अयु मिल गया, तो ध्वनि जिसे अक्षर कहते हैं मिल करके शब्द बनता है, और मात्रा सबसे छोटी होती है, मात्राओं से ध्वन, ध्वन से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पता नहीं कितने, मतलब कि एक एक चीज़ बड़े बड़े बना ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब बात करेंगे यहाँ पे 6 के, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर प्रीवियस, यानी कि आप प्रीवियस जस्ट इसके पहले वाला अगर आप सेशंस विदाउट इसकी PAVAR पढ़े होंगे ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। इट्स मीन्स कि व्हाट इज़ द टाइप्स, या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा 3, 5, 4 या फिर 6, इसका तो करेक्ट आंसर आना ही आना चाहिए। चाहे वो आपकी इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में टोटल आपके प्रोनाउन 10 टाइप्स के होते हैं और हिंदी में 6 प्रकार। कंसल्ट कर लीजिए पूरा अपना कंठस्थ जिसे कहते हैं, रख लीजिए अपने माइंड में। नोट्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन उस नोट्स को गाइज अगर आप अपने माइंड में पुटअप कर लिए, पुट ऑन कर लिए ना, तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आगे रहेंगे। कोई भी पूछा, जस्ट आप उसका तुरंत प्रेजेंस आप माइंड लगाइए, जस्ट क्वेश्चन का आंसर रखिए, तुरंत के तुरंत आपका हेडिंग होगा। अब ये होता है 7 क्वेश्चन का, कि जब वाक्य लिखने में कुछ शब्द छूट जाते हैं, आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो और कुछ शब्द जो है उसमें से छूट जाते हैं, जैसे मोहन घर से विद्यालय जाता है, आप कह दिए मोहन घर विद्यालय जाता है, कोई सेंटेंस है, से तो छूट गया, से ही से तो लगा हुआ है सेंटेंस, तब उनमें पूर्ण करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, पंक्चुएशन। अब भैया पंक्चुएशन क्या होता है, कामा बिंदु फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें आपके पंक्चुएशन में आती हैं, कि पूर्ण विराम लगता है, हंस विराम, अर्ध विराम या फिर अल्प विराम, ये सारी चीज़ें आपके जानकारी की होनी चाहिए, बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि ये यार बिल्कुल एकदम से बेसिक चीज़ है, एकदम से बेसिक चीज़ जो कि 6 से पढ़ाई जाती है, 6 क्लास से, और आप बीएड कर रहे हो, बीएड प्रिपरेशंस कर रहे हो, सो नॉलेज आपको कंफर्म होना चाहिए। यहाँ पे हंस विराम होगा कि जब वाक्य लिखने में कुछ शब्द छूट जाते हैं तो उन्हें पूर्ण करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हंस विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। अब बात आएगा आपका 8 क्वेश्चंस में, थोड़ा सा वन वर्ड इंग्लिश है, कि इंसिडेंटल का हिंदी रूप क्या है, व्हाट इज द हिंदी फॉर्म ऑफ इंसिडेंटल, दुर्घटना, खर्च, आकस्मिक या फिर समापन, इसका गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर गाइस आकस्मिक होगा। यहीं पे आपका प्रेजेंस आप माइंड नहीं लगता है कि आप इंसिडेंटल देखें तो जस्ट पता है कि एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, अरे भैया वो तो एक्सीडेंट होता है, ACCIDENT एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंटल दे रहा है, यहीं पे हर गाइस जो ध्यान नहीं देते हैं सब गलत करके क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ी सी चीज़ के लिए आपका 2 मार्क्स कट जाता है, क्या पाते हो, कुछ नहीं, सिर्फ लड्डू खा के आते हो, लड्डू बटा 200, ऐसा करना नहीं है, समझ रहे हो, कम से कम आप हाईएस्ट 180 तो ले आइए ज़रूर, इतना मेहनत कर डालिए। तो आकस्मिक, कोई भी दुर्घटना होती है आकस्मिक होता है, अचानक होता है, कोई जानबूझ करके एक्सीडेंट नहीं करता है, समझ रहे हो, ले जा करके कहीं लगा देता है। अब ये क्वेश्चन 9 आपका स्टार्ट होता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, अपनी यार मातृभाषा हिंदी है, ये तो कम से कम जान के रखना चाहिए कि हिंदी किस भाषा का,
हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी, आपका फारसी, संस्कृत, अरबी या फिर बंगाली। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज, 5 सेकंड के अंदर इसका सही आंसर करते हैं। कितने गाइज इसका सही आंसर कर लेते हैं? सो जितने भी हमारे प्रिय साथी हो ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। हिंदी शब्द जो होता है वो फारसी से रिलेटेड है, उर्दू फारसी क्या बात है। अब 10 क्वेश्चन, थोड़ा सा चलिए शीर्षक भी पढ़ लिया जाता है कि कौन किस बुक्स को लिखे थे। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के साहित्य पर अकादमी पुरस्कार प्राप्त? पहले जो होता था यानी कि साहित्य पर अकादमी पुरस्कार बहुत ही मान्य किया जाता था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सी मतलब वो रचना किए थे जिस पर उन्हें अकादमी यानी एकेडमी पुरस्कार उन्हें अवार्ड मिला था? हिम तरंगिनी, मधुशाला, रश्मिरथी या फिर हिम किरीटनी। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा, चलिए देखते हैं कि कितने सही जवाब आते हैं। जी बिल्कुल, करते रहिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन से जुड़ने की कोशिश करिए तभी आपको समझ में आएगा। जितने भी साथी ऑप्शन ए हिम तरंगिनी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक थम्स अप भी करते चलोगे आप लोग। अब होता है आपका 11 क्वेश्चन। 11 क्या कह रहा है? 11 क्वेश्चंस में अगर बात करें कि अर्ध तत्सम क्या है, अभी तक आप तद्भव पढ़े, तत्सम पढ़े, लेकिन यहाँ पे यार एक नया वर्ड आ गया है, अर्ध। अर्ध मतलब क्या होता है? अर्ध मतलब होता है आधा, और पूर्ण मतलब होता है संपूर्ण यानी कि परफेक्ट कंप्लीटेड, जिसमें आपका फॉर्म थर्ड हो जाता है। कृष्ण, कान्हा, किशन या फिर कन्हैया। तो भगवान का नाम साथ में लेते भी चलिए और आंसर भी करते चलिए। चलिए देखते हैं 11 का करेक्ट आंसर क्या होता है। जी बिल्कुल, आंसर आप लोग दीजिए, कितने साथी दे रहे हैं? तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। अर्ध तत्सम शब्द होता है किशन, किशन को अर्ध तत्सम शब्द कहा जाता है। कन्हैया, कृष्ण, कान्हा ये सब आपके पूर्ण में आएंगे। अब यहाँ पे 12 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 12 में क्या दिया गया है कि व्हाट इज योर क्रिश्चियन नेम? क्रिश्चियन नहीं पढ़ेंगे, पहली बात, क्रिश्चियन नेम, इसका हिंदी अनुवाद है आपका ईसाई नाम क्या है, ईसाइयों का नाम की क्या नाम है, आपका जन्म नाम क्या है या फिर आपका जन्म कहाँ हुआ है। सिर्फ यार इसमें आप लोगों को गाइस सिर्फ तो सिर्फ अनुवाद करना है, इट्स मीन ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश टू हिंदी। अब बहरहाल हिंदी दिया गया होता तो इंग्लिश में आपको करना होता और कुछ नहीं करना है। 12 का क्या आंसर होगा? 12 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जितने भी गाइज ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। आपका जन्म नाम क्या है, कि व्हाट इज़ योर क्रिश्चियन नेम, यानी कि क्रिश्चियन नेम मतलब जन्म नाम, आपका जन्म नाम क्या है। अब यहाँ पे बात किया जाएगा 13 क्वेश्चन का। 13 क्वेश्चन क्या होता है गाइज, कि द्वार पर पहरा बैठा दो। द्वार पर पहरे मतलब प्रहरी कौन कहलाते हैं? प्रहरी मतलब जो रक्षा कर रहे हैं बाहर, तो पहरा बैठा दो। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिए जाते हैं कि मेक द गार्ड सिट एट द गेट, या फिर डिप्लॉय अ गार्ड एट द डोर, डिप्यूट द गार्ड नियर द डोर, या फिर अपॉइंटेड द गार्ड टू द डोर। लास्ट में सब फुल स्टॉप यूज होंगे, आप यूज कर लेंगे। चलिए इसका सही आंसर, कितने गाइस सही आंसर करते हैं? अगर यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए गाइस बता दें कि ऑप्शन नंबर जितने भी गाइस भी बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, और डोंट माइंड जिन सभी आपके गाइस सही नहीं हो रहा आंसर, डोंट माइंड, आप पढ़ते रहिए, आप हताश होने की बिल्कुल कोशिश ना करिए कि हमें नहीं आ रहा है चलिए हम सेशंस को छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या छोड़ के चले जाने के बाद कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ आएगा भी नहीं। यहाँ आप रहेंगे, सीखेंगे, थोड़ी बहुत आपकी गलती होगी, जो प्रैक्टिस करता है उसी से गलतियाँ होती हैं। तो असफलता ही सफलता की एक कुंजी होती है। पहले आप अगर असफल हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम और भी मेहनत करेंगे, और जो माइंडेड होता है वो फर्स्ट टाइम ही क्रैक कर जाता है, उसका तो एकदम से महान ही कृत्य होता है। तो डिप्लॉय ए गार्ड एट द डोर, डिप्लॉय ए गार्ड मतलब कि आप एक प्रहरी बैठा दो एट द डोर, दरवाजे पर, इट्स करेक्ट मैटर, यही आपका जो होगा करेक्ट आंसर भी होगा। अब यहाँ पे 14 क्वेश्चन आंसर क्या होगा, कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अव्यय, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4, 3, 7 या फिर 8। ये तो ऑलरेडी आपके प्रीवियस में भी एक बता दिया गया था, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कितने गाइस करते हैं। अगर सेशंस को देखे होंगे तो पता ही पता होगा।
कर लिया आंसर। चलिए जितने भी गाइज ऑप्शन डी बता रहे हैं यानी कि अव्यय आठ प्रकार के होते हैं वो सभी सही हो जाए। आगे चला जाए आपका 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 जब भयवश, भयवश मतलब डरवश, डर के कारण परिस्थितियां से भागने की क्रिया होती है तब उपयुक्त समय होगा। यानी कि जब भयवश यानी डर से आप जो है परिस्थितियों से भागने की यानी मुकर जाने की स्थिति आ जाती है, कंडीशंस ऑफ रिमूविंग हट जाने की प्रक्रिया होती है, तो उपयुक्त शब्द उसमें क्या होगा यानी यूजफुल वर्ड क्या होगा, दौड़ना, आशंका या फिर भागना या फिर भय। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा आप ही सोच विचार करके बढ़िया से आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो जितने भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सही आंसर हो जाएंगे। अगर यहीं पे भगौड़ा वर्ड यूज हुआ होता तो और ही बेटर होता, क्योंकि वो परिस्थितियों से लड़ यानी कि फाइटिंग नहीं कर पा रहा है, उसे सुलझा करके बजाय उससे सिर्फ उलझा जा रहा है। यानी कि आप माइंड लगाएंगे तभी तो कोई भी कंडीशंस होगी उससे आप पार पाएंगे, या फिर कोई परिस्थितियां होती हैं कि आप नहीं आगे बढ़ पाते हो तो उसे उसे छोड़ देते हैं, चलिए छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, छोड़ना नहीं है उसे, सिर्फ डट कर मुकाबला करना है, फेस करना है, उसका सामना करना है। चेहरा नहीं देखना है, फेस मतलब सामना करना, सबका भाव अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करेंगे 16 क्वेश्चंस पे। 16 क्या होता है कि निम्नलिखित में ऐसे कौन सा वृत्त का भेद नहीं है, कौन सा निम्नलिखित में जो कंडीशन दिया गया वृत्त का भेद नहीं है, निश्चयार्थ, संभावनार्थ, आज्ञार्थ या फिर संदेहार्थ यानी कि आपके संदेह से रिलेटेड है। चलिए गाइज इसका सही आंसर करते हैं, क्या सही आंसर इसका होगा। सो जितने भी गाइज ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि वृत्ति का, वृत्ति है, वृत्त नहीं है, वृत्त होता है कुछ, ये आपका कहलाएगा वृत्त, ठीक, वृत्त हुआ, लेकिन यहाँ पे वृत्ति है, वृत्ति मतलब आपका नेचर, वृत्ति मतलब आपका नेचर। सो आज्ञार्थ है, ये आज्ञार्थ का होगा। कंडीशन क्लियर हुआ? अब यहीं पे 17 क्वेश्चन क्या कहता है, 17 क्वेश्चन हो रहा है आपका कि कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, ऑल टाइम यूजेज टू प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर में बेचारा कभी रहता नहीं है, हमेशा प्लूरल में रहता है, सिंगुलर रहने में उसे मजा नहीं आता है, नाक, बाल, कान, दांत, सब आपके फिजिकली ही अटेंड्स हैं, ये तो आप तो बता ही लेंगे। 17 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस, 17 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बाल होता है, कहीं भी एक जगह पे बाल होता, हाथ ही आप देखेंगे कि एकदम हाथ छोटा छोटा बाल होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक। तो ये नाक होगा तो बॉडी में सिर्फ नाक एक ही होते हैं, कान भी एक होंगे, दांत भी अगर बनता है तो सेटिंग आपकी एक ही होगी, ऐसा है नहीं कि दांत यहाँ भी है और कहीं जगह होगी, ये पूरा दांत आपका एक सेटिंग माना जाता है, ऐसे ही क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम आपका आता है 18 क्वेश्चन, 18 क्या होगा, 18 बताया गया है गाइस कि कौन सा पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, यानी कि आप जो हैं फ्रेंडशिप के लिए अगर कोई पत्र लिखते हैं, कोई संदेश भिजवाते हैं तो कैसे लिखते हैं, शासकीय पत्र, परिपत्र, अर्धशासकीय या फिर सूचना पत्र, वो पत्र आखिर किस अवेलेबल होगा, किस लायक होगा, वो नाउ गाइस आपको चेक करना है। चलिए लाइव चैट करते रहिए साथ में, बताते भी चलिए क्या दिक्कत है। यहाँ पे होगा अर्धशासकीय, क्योंकि कोई शासकीय से रिलेटेड, क्योंकि फ्रेंड में मतलब उससे तो बड़ा है नहीं, ये अर्धशासकीय है मतलब उसी से रिलेटेड है। सो अर्धशासकीय जो पत्र होगा ये मित्रतापूर्ण पत्र के लिए अवेलेबल होगा, और जो शासकीय होता है वो मतलब DM वगैरह को लिखा जाता है, जब जनता वगैरह सब लिखते हैं। सूचना पत्र क्या होता है कि आपके ऑफिस से सूचना पत्र लिख करके आता है कि ये नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आज दिया जाएगा, जैसे आपके स्कूल्स में हो जाते हैं, कॉलेज में, तो जो प्रिंसिपल और डायरेक्टर मिल करके टोटल सूचना बनाते हैं, मतलब कि एक पूरा ब्यौरा बनाते हैं, सो फॉर्मेलिटी किसके लिए, टीचर्स के ऊपर अलाउ, और वो टीचर्स पूरा कंडीशंस कंफर्म करता है स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट्स के रूप में, सो सारी प्रक्रियाएँ मतलब अबव की कंडीशंस में होती रहती हैं। अब परिपत्र क्या होता है, आधा पत्र, इससे तो कोई रिलेटेड है नहीं, परिपत्र आपका कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब यहाँ पे आता है 19 की हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, नाम धातु है, यौगिक, प्रेरणार्थक या फिर संयुक्त, एज संयुक्त क्या होता है कि मिला जुला। 19 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
यहाँ पे नाम धातु है क्योंकि वो हथियाना एक टाइप्स का एक नाम धातु है। क्लियर हुआ, आगे चला जाए। अब यहाँ पे 20 क्वेश्चंस गाइज होता है, 20 क्वेश्चंस बताया गया है कि जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं वो चाहे आपका वाक्यांशों हुआ, वाक्यांश मतलब सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंस, एक ही वनली वन नहीं, कम से कम दो चार, एक से ज़्यादा हुए तो सेंटेंसेस में ही आ जाएंगे। एक होगा सेंटेंस होगा, और वर्ड होगा तो वन वर्ड। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे बता दिया जाए कि राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल इसमें फोर वर्ड हैं, इसमें फोर वर्ड होगा और सेंटेंस वन है। सेंटेंस की बात किया जाए तो वन है। अगर यहीं पे राम इज गोज टू स्कूल एंड ही इज़ अ वेरी गुड बॉय एंड टीच टू वेरी मल्टीपल क्वेश्चंस, या फिर यानी कि आस्किंग टू वेरी मल्टीपल क्वेश्चंस एंड ऑलवेज ही हैबिट्स एनी टफ कंडीशंस, मतलब कोई कंडीशंस बनाता है जो कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, पढ़ाई बढ़िया करता है, मतलब तीन चार सेंटेंस बन गया तो ये सेंटेंसेस में आ जाते हैं। तो व्याधिकरण यहाँ पे एक बार रिमूव करके अभी बता रहे हैं हम आप लोगों को, व्याधिकरण, समानाधिकरण या फिर संबंधीकरण, या आपका होगा समुच्चयबोधक। ये तो कंडीशंस आपको आना ही आनी चाहिए। सो लाइव चैट करते रहेंगे, इसका आंसर बताते चलेंगे आप 20 क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा। बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस, आप लोग मतलब कि एकदम बढ़िया आ चुके हो, पढ़ाई पे मन आपका लग चुका है। यहाँ पे हो जाएगा समुच्चय बोधक, जितने भी गाइस समुच्चय बोधक कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। समुच्चय बोधक यानी कि समुच्चय किसे कहते हैं, सेट्स, यस ई टी एस, मतलब होता है समुच्चय। तो ये समुच्चय होता है कि साथ में चीज यानी कि एकता बधी हुई हो जिसमें बहुत सारे समूह हैं, वो आपका समुच्चय कहलाता है। आगे चला जाए कि 21 क्वेश्चन क्या होता है आपका, कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। अगर कोई आप गोल बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के साथ और क्या यूज़ होता है, कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, कर्ता विधेय, विधेय पूरक, क्या होगा उसमें। 21 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है गाइज, इसका सही आंसर करेंगे। सो जितने भी गाइज ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, कि कर्ता विस्तार यानी कि कर्ता के साथ अगर और कोई आता है, यानी सब्जेक्ट के साथ कोई और आता है तो जस्ट उसका कंडीशंस हो जाएगा विस्तार, यानी कि उसका फैलाव हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है। 22 क्वेश्चंस गाइज आपका होगा कि भाववाच छाटिए, व्हाट इज अ कंडीशन ऑफ भाववाच, यानी कि इमोशनल, कोई भी कंडीशंस होती है इमोशनल यानी कि भावुक हो जाना। आपका जो कंडीशंस होता है ये आपके अब्स्ट्रैक्ट की कंडीशंस, जो कि नाउन का पांचवा फॉर्म है। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। ऑलरेडी ठंडी पड़ रही है, आइसक्रीम ना खाइए तो ज़्यादा बेटर होगा आपके हेल्थ के लिए। 22 क्वेश्चंस में चलिए आंसर करते हैं क्या होगा आपका। सो जितने भी गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सही हो जाएंगे, कि भाववाच्य नहीं है, अशोक ने आइसक्रीम खाई ये भी रिलेटेड होता है कि नहीं, अशोक ने आइसक्रीम खा ली, उसने तो खाया ही नहीं, चोर पकड़ा गया, बेचारा चोर पकड़ा गया, अब तो मारा जाएगा, अब तो उसकी धुनैया होगी। दादाजी के द्वारा अनिल बेचारा डांटा गया, मतलब सब में भाववाचक हो रहा है, लेकिन तोते से उड़ा नहीं गया, एक सिंपल सा मैटर होता है कि तोते से उड़ा नहीं जा रहा है, छोड़ दो, जाने दो, नहीं उड़ने वाला है। ये कंडीशंस आपके भाववाच्य को छांटना था, यानी कि कोई और नहीं है। अब यहाँ पे होगा कि तोते से उड़ा नहीं गया, बेचारा कैसे उड़ पाता, अगर पैर उसका नहीं सही है तभी तो नहीं, हाथ पांव सही नहीं है इसलिए नहीं उड़ पाता, और बाकी सब कुछ सिंपल ही मैटर है। अब यहीं पे 23 आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे। 24 के बाद आपको दो फिर से डेली के लिए होमवर्क आपके लिए होगा, कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है, लेखक या लेखिका की कृति है, तस्लीमा नशरीन, कन्हैयालाल यशपाल या फिर जैनेन्द्र कुमार। राहुल सांकृत्यायन जिस तरह से घुमक्कड़ लिखे थे, बहुत ही ज़्यादा घूमते थे राहुल सांकृत्यायन जी, घूमने में उन्हें बहुत आनंद आता था। सो जितने भी गाइज यहाँ पे तस्लीमा नशरीन कह रहे हैं, इट्स मीन्स ये लेखिका थी, लेखक नहीं थे। तस्लीमा नशरीन ने लज्जा कृत की रचना की है। अब यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट, तुरंत रखिए स्क्रीनशॉट विदाउट एनी हेजिटेशंस, और मेन कमेंट बॉक्स में लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, एक सेकंड देखिए, मेन
कमेंट बॉक्स, अगर आज आंसर कम से कम 25 लोग दे देंगे ही देंगे, चार बच्चे देते हैं, चार स्टूडेंट्स गाइस जुड़े हुए हैं जो देते हैं और सभी आंसर नहीं करते हैं, पढ़ना नहीं है उनको, सिर्फ स्किप करते जाते हैं, देखते जाते हैं। ऐसे किसी भी फैमिली में जुड़ेंगे आप, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, स्किप करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। किसी एक से साथ जुड़िए और पूरा टोटल वीडियो देखने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे होता है 25, यानी कि दिया क्या गया है कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए, डायरेक्ट आपका होमवर्क रहता है। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन आपका जो भी डाउट्स है आज थोड़ा सा क्लियर करा लेते हैं, चला जाए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में, यानी कि लेक्चर नंबर 9 लेकर के, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, आपको आफ्टर दैट टोटल संधि पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद संधि नहीं तो आपको अलंकार क्लियर कराया जाएगा। अब क्या क्लियर कराना, मेन कमेंट बॉक्स में, एक होमवर्क और, मेन कमेंट बॉक्स में आप गाइज करेंगे कि आपको अलंकार पहले पढ़ाया जाए या फिर संधि, जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी वही पहले पढ़ाया जाएगा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।